तो इसका एक्टिवा 4G के बुशिंग फ्रंट सस्पेंशन बुश के ग्रीसिंग कंप्लीट की है। तो अब गाड़ी सस्पेंशन बहुत अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स लोग, तो एक्टिवा 4G का फ्रंट कुशन लिंक बुश का ग्रीसिंग करना हम सीखेंगे। तो देखते हैं हम एक्टिवा 4G का फ्रंट सस्पेंशन का लिंक बुश कैसे ग्रीस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए 14 नंबर का स्पैनर लगेगा जो इस साइड यूज होता है, और 19 नंबर का स्पैनर लेफ्ट साइड यूज होता है मेन बोल्ट को। तो पहले व्हील का बोल्ट खोलेंगे हम, व्हील बोल्ट ओपन करेंगे और व्हील को बाहर निकालेंगे। तो व्हील को निकालेंगे, एक्सल को निकालेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, एक्सल को एक्सल निकाला, उसके बाद व्हील आगे बाहर निकालेंगे। ओके, उसके बाद ब्रेक शो इसमें से बाहर निकाल लेंगे। तो व्हील को बाहर निकाल ले, ब्रेक शो निकाल ले उसमें से। तो व्हील निकल चुका है, अब पीछे वेट रखना पड़ेगा ताकि गाड़ी आगे ना आए। तो हम ब्रश से इसको क्लीन करेंगे, कुशन के आर्म को थोड़ा क्लीन करेगा। गाड़ी पर ये वेट रख दिया है, एयर कूल इंजन का ब्लॉक है, अब गाड़ी आगे झुकेगी नहीं। तो आर्म का पिछला जो बोल्ट है उसके लिए 14 नंबर का रिंग स्पैनर लगेगा इस साइड को, और अंदर को 12 नंबर का रिंग स्पैनर लगेगा। तो दोनों स्पैनर लगा के और नट निकाल लेने का, निकाल घुमा। हाँ, तो वो 14 और 12 नंबर का रिंग स्पैनर लगा के बोल्ट निकाला है, ये देखो। उसको थोड़ा फ्रेश करेंगे, इस साइड को भी सेम प्रोसेस। तो ये दोनों कुशन आर्म हमने, तो एक्टिवा 4G के फ्रंट कुशन के आर्म्स व्हील के हमने निकाले हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से ग्रीसिंग करेंगे। इसके अंदर ग्रीस ज़्यादा रहता नहीं है, तो इसको बाद में ग्रीसिंग करना पड़ता है। तो इसको ग्रीस लगाएंगे हम। आर्म के जो बुश होते हैं फाइबर के, इसको हर 5 से 7 हज़ार किलोमीटर्स के बाद चेंज करना ज़रूरी है। अभी हम सिर्फ ग्रीसिंग करेंगे क्योंकि किलोमीटर अभी ज़्यादा नहीं है। तो इसको ग्रीस लगाने का, आर्म स्टील बुश है ये, आर्म स्टील बुश, इसको भी ग्रीस लगाने का। इसके ऊपर एक कैप रहती है, इसके ऊपर, तो ये कैप लगा देने का, स्टील कैप। तो ये कैप से वो टाइट हो जाता है।
फाइबर की, उसको भी ग्रीस कर देना। व्हील के एक्सल को भी ग्रीस लगाने का, उसके बेरिंग का कुशन, बेरिंग का सील निकाल के उसको भी हम, इसका सील निकालने के बाद उसको ग्रीस कर सकते हैं। ये सील बाद में बिठा देंगे। ये बेरिंग है फ्रंट व्हील का, इसको ग्रीस लगा दिए, उसके बाद ये सील उसमें लगा। तो ये बेरिंग के ऊपर का सील लगा दिया है हमने कंपनी में, ग्रीस हो गया बेरिंग फ्रंट व्हील का, तो इसको ये प्रेस कर देंगे। ये डिस्टेंस लगाने का, तो व्हील का इस साइड का सील भी निकालने का और उसको ग्रीस करने का। तो ये सील निकाल दिया है व्हील का, बेरिंग का, उसको भी ग्रीस लगाने का। अब ये सील बिठा दो, तो ये सील बैठ गया। उसके बाद इसके अंदर डस्ट जमा होती है ब्रेक शू की, हम ब्रेक यूज करते हैं ना, उस टाइम वो डस्ट निकल जाती है, वो डस्ट फिर क्लियर कर देगी। तो ये बोल्ट लगा दिए हमने, अब इसको टाइट करेंगे हम। तो अंदर के बोल्ट को 12 mm का स्पिनर लगता है रिंग, बाहर 14। तो हमने ये आर्म बस बिठाए है कुशन के ऊपर, तो ये जो बोल्ट है मैं दिखा रहा हूँ, ये अंदर से बाहर लगाने का, क्योंकि ये जो अब बाहर से अंदर लगाओ इतना वो अंदर जाएगा और व्हील को टच करेगा, तो ये अंदर से बाहर लगाने का नट, इधर से बाहर आना चाहिए ताकि व्हील को टच ना हो पाए। अब हम व्हील फिट करेंगे, ब्रेक शो को क्लीन करें, ब्रेक शो होते हैं, इसको पेट्रोल वगैरह कुछ लगाने का नहीं, खाली कॉटन से उसको क्लीन कर देने का। ब्रेक शो क्लीन किए, अब व्हील लगाने का, शाफ्ट को ग्रीस करके व्हील लगाने का। शाफ्ट बिठा दिया, व्हील बैठ गया है। अब तो इसको ग्रीस लगाया, अब ये कुशन आर्म लगाएंगे, आर्म लगाएंगे। सस्पेंशन के बुशिंग को ग्रीस करना जरूरी है, तो इसका सस्पेंशन आप देख सकते हैं कैसे स्मूथ हो रहा है उनका, तो सस्पेंशन इसका बहुत स्मूथ हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो हर एक सर्विसिंग को छोड़ के, तो हर एक सर्विसिंग यानी कि अभी सेकंड सर्विसिंग पे मैंने
लिंक बुश ग्रीस की है, तो आप बाद में फोर्थ सर्विसिंग को लिंक बुश ग्रीस करने का, ऐसे एक सर्विसिंग को छोड़ के लिंक बुश ग्रीसिंग करने का एक्टिवा फोर्जी का, ओके, तो ताकि गाड़ी का सस्पेंशन अच्छा रहे। तो देखो कितना सस्पेंशन स्मूथ हो रहा है। ओके, तो दोस्तों देखिए।